हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार, जो कि एक नया चैनल है, जो कि आपको हमेशा से अच्छे स्टॉक्स बताता आया है और आपको अच्छी खासी कमाई भी कराते आया है, होप सो अगर किसी ने इसे देख के अगर इन्वेस्ट किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, एज़ वेल एज़ कुछ नॉलेज भी बढ़े और बाकी मेरे को भी नॉलेज मिले, आपसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो वो भी मैं डेफिनेटली चाहूँगा। और एज़ वेल एज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में का जो कंटेंट है बहुत बेहतरीन कंटेंट है, कल की डेट में शायद कुछ बड़ा होने वाला है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। एंजल ब्रोकिंग जो कि नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है इंडिया की, सेबी से रजिस्टर्ड है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके दे रहा है, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस एज वेल एज मोबाइल का एप्लीकेशन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत स्मूथली। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके रिटर्न्स। रिटर्न्स के मामले में बहुत बेहतरीन शेयर है। आज से 20 दिन पहले भी मैंने इस शेयर से रिलेटेड बातें करी थी और बताया था कि इसे अभी खरीद लो, आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर उस टाइम आपने ख़रीदा होता ना 20 दिन पहले, तो लगभग 40% का आपको प्रॉफिट अभी तक हो चुका होता 20 दिन के अंदर अंदर। देखिए, 1 डे का परफॉर्मेंस 4%, 1 वीक 13%, 1 मंथ 31%, 3 मंथ 51%, अगर ईयर टिल डेट की बात, अगर 1 साल की बात करते हैं तो 150% की रिटर्न, और 10 साल की बात करते हैं तो 420% के मल्टी बैगर रिटर्न आपको दिए। और ये जो कंपनी है, ओके, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आई कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट करती है, आईटी कंपनी है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बताया है। और अगर मैं और कुछ आपको दिखाना चाहूँ तो कंपनी का जो 52 वीक लो था, ओके, 499 था, 52 वीक हाई 2140 रुपये था, लगभग 28% के शेयर आज की डेट में यहाँ पर उठाए गए हैं डिलीवरी बेसिस पे। और अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए 44.53% प्रमोटर्स के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। और कंपनी इतनी बेहतरीन है कि 2017 में एक बार बोनस दिया है 1:1 का, एज वेल एज बात की जाए 18 यहाँ पर 2017 में 16 रुपये का, 18 में 11 रुपये का, 19 में 13 रुपये का, और 2020 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 16 रुपये का, 16.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देता हुआ नजर आया। कल क्या है, कल इस जो कंपनी की बात कर रहे हैं, इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो शायद आपको दोबारा एक बेहतरीन खुशखबरी मिल जाए, किससे रिलेटेड, दोबारा बोनस से रिलेटेड या स्प्लिट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको खबरें मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ये शेयर है। और 2017 के बाद उसने कुछ अभी आपको दिया भी नहीं है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, ओके, तो शायद स्प्लिट होने देखने को मिल जाए, शायद और कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था, और जब वीडियो बनाया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ, टाटा एलेक्सी कंपनी का नाम है, 1656 रुपये और का ये प्राइस था, कब, 22 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था। और आज की डेट में अगर हम प्राइस देखते हैं तो लगभग 2125 रुपये का प्राइस है, ओके, 52 वीक हाई ये देख सकते हैं 2140 रुपये, और शायद आज के दिन ही ये 52 वीक हाई इसका लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1110, 2140 रुपये आज के दिन ही, मतलब 52 वीक हाई भी इसने आज के दिन ही लगाया है, तो कितने बेहतरीन हो सकता है। तो हम अगर हम जाने की बोनस से रिलेटेड तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, टाटा एलेक्सी है तो कहीं ना कहीं ये TCS और टाटा सन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना रिटर्न के मामले में, तो जहाँ पर उसने 140-150% के रिटर्न दिए, यहाँ पर केवल 43% के रिटर्न है, और इसने 10 साल में 477% के रिटर्न दिए, उसने 1400% के रिटर्न दिया, मतलब TCS से भी बेहतरीन कंपनी है। TCS जो मार्केट का दूसरे नंबर का स्टॉक कहा जाता है, और जो IT कंपनी का जो मतलब सबसे बड़ा स्टॉक है इंडिया का, तो इससे भी बेहतरीन अगर उसका बच्चा आपको रिजल्ट्स दे रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करना कितना फायदा है। हाँ, ये है कि इसने 2 से 3 बार बोनस दिया है 10 साल के अंदर अंदर, और इसने इतना बार बोनस नहीं दिया है, इसने केवल आपको एक ही बार अभी तक बोनस दिया है। और राइट इशू की बात की जाए तो एक ही बार इसका राइट इशू हुआ है, वो भी 1995 में, वो बहुत पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, 1 डे का चार्ट पैटर्न, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न, 5 डेज का चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम देखते हैं, देखिए मैक्सिमम भी क्या बेहतरीन ये स्टॉक है,
ओके 20-22 रुपये, 50 रुपये, 2 डिजिट में चलने वाला स्टॉक आज 4 डिजिट में आ गया है। ऐसी ही कंपनी चूज़ करनी होती है और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर हम एयरटेल 1 ईयर की बात करते हैं तो 1000 रुपीज़ के आसपास शेयर चल रहा था, गिरा 550 पे आया, और 550 के बाद क्या मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिया, 286% के रिटर्न विद इन कह सकते हैं कि 10 मंथ्स में आपको 286% के रिटर्न इस कंपनी ने, टीसी मतलब टाटा की इस कंपनी ने दे दिया। और अगर मैं बात करूं तो देखिए 2000 यहाँ पर के लगभग, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट, तो यहाँ पर आपका वो आया था अगर सितंबर में, 27 सितंबर को यहाँ पर ये बोनस आया था इस कंपनी का, तो आप देख सकते हैं कि 911 पे ये शेयर चल रहा था और अब तो डबल हो गया है। तो शायद आपको बोनस की खुशखबरी शायद मिल जाए, अगर आज हमें अच्छा मौका मिला तो शायद कंपनी दे भी दे। और इसके अगर हम बात करें बैलेंस शीट एंड सब कुछ चीज़ की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार बैलेंस शीट। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैपिटल कितना हो गया है, 12,725 करोड़ रुपये का तो इसका मार्केट कैपिटल हो गया है। और आरओसी कितनी बेहतरीन है, केवल 35% की आरओसी, और 30% की आरओसी भी होती है ना, तो हम कहते हैं कि हमारा पैसा कितना मल्टी बैगर कंपाउंडिंग होते होते बन जाएगा, वो आप मेरी हर एक वीडियो में सुनते ही है। अगर हम बात की जाए यहाँ पर सेल्स की, तो देखिए सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नज़र आई है। ओके प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। ओके मार्च के मुकाबले यहाँ पर देखिए अभी उतना आया नहीं है क्योंकि 79 है, बट ये इस बार शायद क्रॉस करके दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके के TCS के रिजल्ट आए हैं तो शायद ये भी मार्केट को बीट कर दे, जो मार्केट का वेल मार्केट की जो व्यूज़ है इसके रिलेटेड वो से भी बीट कर दे और अच्छा खासा आपको रिटर्न्स दे दे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर 2019 में, सॉरी 2009 में यहाँ पर 58 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, अभी बढ़कर कितना 305 करोड़ रुपए का लास्ट क्वार्टर का था। और कल जब रिजल्ट आएंगे और जब मैं आपको रिजल्ट इसके शो करूंगा, मैं खुद ही शो करूंगा, तब आप देख लेना कि ये रिजल्ट ये प्रॉफिट का रेशो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और एज वेल एज काफ़ी जो आपका स्टॉक अभी 2100 रुपये चल रहा है, ये शायद आपको जंप करते हुए यहाँ पर 2125 में चल रहा है, 4% का उछाल आया, तो कल की डेट में ये आपको 5% का और उछाल कर देता हुआ नज़र आए। तो कल की डेट में अगर इसका 5% भी अगर बढ़ता है तो लगभग 100 रुपये के आसपास ही पड़ता है, तो ये 2300 रुपये के आस मतलब 2250 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ कल की डेट में ही दिख जाएगा। बैलेंस शीट की बात की जाए तो देखिए 2017 में जब इसने बोनस दिया था तब रिजर्व थे 527 करोड़, अगर 527 करोड़ पे रिजर्व दे सकता है तो अभी तो रिजर्व कितने, 1072 करोड़, डबल हो चुके हैं। तो शायद इस बार आपको दोबारा से बोनस की न्यूज़ सामने आ सकती है। और तब डेट फ्री थी, थोड़ा बहुत डेट है, 54 करोड़ रुपीज़ का डेट है, बट वो भी घटते हुए मैनर में है और इसे कभी भी कंपनी चाहे तो चुका सकती है। ओके काफ़ी बेहतरीन है। एज वेल एज अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, कंपनी ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए कैश इक्विवेलेंट भी देखिए यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आया, 739 करोड़ रुपीज़ का कैश है एक छोटी सी कंपनी के पास। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो देखिए 2017 में 144 करोड़ था, जो कि लगभग लगभग डबल ही हो चुका है, कह सकते हैं कि 256 करोड़ रुपये का यहाँ पर है। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखिए कंटिन्यूसली सेम ही आपको नजर आएगी 2019 से। देखिए यहाँ पर हर क्वार्टर में लगभग 44.53, और इसमें से भी देखिए टाटा सन्स तो मेन है तो उसके 42.22% के, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 2.30% के, एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर के पास है कितने 11.74% की हिस्सेदारी, इसमें जेपी मॉर्गन भी है, और आपको मौसर इमरजेंस मार्केट स्मॉल कैप फंड LIC इसका भी आपको दिखेगा, ये 1.27% की हिस्सेदारी है। DIS डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी इसमें, एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड सीरीज टू इसमें 1.32% की हिस्सेदारी रखता है। एज वेल एज पब्लिक की बात करें तो 39% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, मतलब पब्लिक भी अच्छा खासा पैसा इससे कंपनी से मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट करके कमा रही है। तो कल है इसके डेट रिजल्ट्स की, तो जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो ये कंपनी आपको कुछ ना कुछ धमाका कर, एज प्राइस में तो देखिए बढ़ोतरी होगी होगी, एज वेल एज अगर हमें कुछ खुशखबरी मिल जाए, एज वेल बोनस किया कुछ, तो आपके शेयर भी डबल होते हुए नजर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कितना बेहतरीन है, बट एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, छोटी कंपनी है
तो भागी अगर इसी तरीके से, अगर आपको 300-250% के रिटर्न आप विद इन 11 मंथ्स दे दिए, तो अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं इसके तो गिरते हुए भी यहाँ पर हमें नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और ये शेयर है बेहतरीन, बट फिर भी गिरा, अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो गिरेगी भी उसी तरीके से। तो वीडियो की शेयर की तरफ ध्यान रखना, एज वेल एज़ शेयर काफ़ी बेहतरीन है, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की ड्यू डिलीजेंस कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार, इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।